नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज खान। इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर जिले के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी सुभाष चौधरी जी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत करने के। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी की आप आए। सर किस तरह का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार तो एक रेगुलर प्रोसेस है हमारा। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। कोई आने वाले हैं, पार्टी का रेगुलर प्रोसेस है, उसके तहत हम लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और पूरी अपनी वर्करी करते हैं। लोगों के सामने गाँव में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, लोगों के बीच में लोगों के ख्याल भी लेते हैं, अपनी बात भी बताते हैं लोगों को, हर किस्म का प्रचार करते हैं, पर दुष्प्रचार नहीं करते बीजेपी की तरफ। बीजेपी किस तरह का दुष्प्रचार कर रही है? लोगों को बहकाना, वर्गलाना, गलत प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ अपने आप को हिंदू बताना। हिंदू तो हम भी हैं, भारत के अंदर हिंदू तो 70-80% लोग हिंदू हैं, तो उनके पास ठेकेदारी नहीं है। हम भी उतने ही हिंदू हैं, हम भी उतने राम के भगत हैं जी, उनसे ज़्यादा ही होंगे। हम सच्चे हैं, दिखावे वाले नहीं हैं। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और दीपावली की तरह इस त्यौहार को मनाने की जो है वो अग्रसर है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो न्योता ठुकराया गया है उसमें कई तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है? कांग्रेस ने जो उसको न्योते को ठुकराया है, उसका जो मेन कारण है, इसका जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है वहाँ पर, ये असली रूप में कम नकली रूप में इसको प्रचार, राजनीतिक प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा ये ऐतराज है कि जब मंदिर ही पूर्ण ना हो, और चार शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर बीजेपी वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। राज भी इनका है, काज भी इनका है, ये कहते हैं मंदिर भी हमारे, जबकि मंदिर तो सारे हिंदुस्तान का है, किसी एक का तो है नहीं। ताला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था उसका, किसी और ने तो खुलवा नहीं। तो इनका ये पार्लियामेंट के चुनाव से पहले फिक्स एजेंडा है कि किस तरह, अब ये तो ना तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना ये बताते हैं क्या करा देश के लिए, कितनी हमने चीज़ें देश की बेच दी, कितनी ठेके पर दे दी, वो तो बताते नहीं। धर्म को लेंगे या हिंदू मुस्लिम को लेंगे, तीसरी कोई बात करते नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर इस तरह के, बीजेपी का चुनावी मुद्दा है? राम, भगवान रामचंद्र जी को इस तरह का, इसमें इनको बीच में नहीं लेना चाहिए था। अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी लोगों को बातें बताइए, आपने क्या डेवलपमेंट किया देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया है, वो तो कोई बताता नहीं। ये तो बताते नहीं, हमने डीजल इतना महंगा कर दिया, सस्ता कर दो उसको, गैस का सिलेंडर कर दो ना 500 रुपये, जहाँ जहाँ पैदा करके आए जिन राज्यों में आए वहाँ भी नहीं करते। तो फिर ये तो आपको सभी जानते हैं भाई, ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। भगवान राम को आगे रख के भाई कोई एजेंडा भी ऐसा चुना कि कोई मुखालफत ना करे, क्यों करे मुखालफत, भगवान राम तो हमारे सबके हैं, पर जो कुछ ये कर रहे हैं वो सारा राजनीति से प्रेरित है। आप हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस तरह की ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या सच में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? 10 साल 9.5 साल हो गए बीजेपी का राज बने हुए, और राज बनने के तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने के बाद इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर नहीं है, जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है देश के अंदर, चाहे वो केजरीवाल जी है या दूसरे हैं, ममता बनर्जी हैं, सबके ऊपर ईडी और ये जो इनकी कार्रवाई हो रही है सारी की सारी, ये सारी टोटली राजनीति से प्रेरित है। और जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, जिसको और बढ़ाते जा रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि इससे इनका फायदा ही हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ ये फिक्स ड्रामा है इनका, बीजेपी का, राजनीति से टोटल प्रेरित है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज किया, 9.5 साल डेवलपमेंट किए रहने की, ये उनके मुकाबले में डेवलपमेंट बता दो इन्होंने क्या किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात चाहते हैं कि आने वाले वो चीफ मिनिस्टर है, सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनने जा रही है हरियाणा में, उसको उनको रोकने के लिए तरह तरह के कंडे अपनाएगी बीजेपी, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरने वाले नहीं, इनसे पूरा डर के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर चर्चाएं होती हैं, कई तरह की खबरें आती हैं,
और दूसरी तरफ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो है रैली कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसआरके गुट है जो रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी है और कुमारी शैलजा है, वो अलग जो है यात्राएं कर रही है। क्या लगता है कि अलग अलग यात्राएं करने से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा या फिर एक करती तो शायद ज़्यादा मजबूत होती? पार्टी का फिक्स एजेंडा है, जो पार्टी प्रोग्राम देती है हम तो उसके तहत चलते हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमें डायरेक्शंस हुई हैं, अब बूथ टू बूथ जाने के लिए हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, बूथ कमेटियाँ भी बनाएंगे, जो उनके दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी करेंगे, वो पूरी एक बूथ के ऊपर हम 25 आदमी भी अपने वर्कर भी देंगे, वो सारा का सारा हम काम करेंगे। कोई अपने तरीके से अपनी कोई राजनीति करना चाहता है तो वो जाने। दीपक बाबरिया जी ने भी कहा है कि हम इस यात्रा को परमिशन नहीं देते हैं, सिर्फ जो एक यात्रा चल रही है उसको परमिशन देते हैं। मैं तो जी सिर्फ उसी यात्रा को बढ़िया मानता हूँ जो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के अनुसार जो हमें डायरेक्शन मिली है कि बूथ अपनी बूथ कमेटी बनाओ, पूरी अपने ब्लॉक्स बनाओ, अपने मंडल बनाओ, उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं और वो हमें एक महीने में पूरा कर देंगे अपना सारा का सारा। अशोक तंवर को लेकर चर्चा है कि अभी हाल ही में इस्तीफा दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी से और बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या लगता है कि अशोक तंवर इससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, आप अच्छी तरह से उनसे वाकिफ भी हैं, क्या लगता है कि कहते हैं कि अशोक तंवर को एक ये तो चुनावी मेंढक है कि जहां लगता है मौका वहीं पर चले जाते हैं, क्या लगता है कि उनकी राजनीति है जो बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा या कांग्रेस को उससे नुकसान होगा, किस तरह देखते हैं आप इसके फैसले को? देखो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट तो इसलिए नहीं करता कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, इसका बात तो जवाब वही दे सकते हैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से। बाकी वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया है, वो छोड़ के चले गए उनकी मर्जी, जहाँ मर्जी जाए, तीसरी चौथी पार्टी है उनकी, हर को आज़ादी है कहीं भी जाने की, इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं कहने वाली। यमुनानगर की राजनीति की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग यहाँ समस्याएं लेकर आते हैं, किस तरह की समस्याएं लोग लेकर आते हैं और क्या बीजेपी उसको करने के लिए असफल साबित हो रही है? देखिए बीजेपी तो टोटली कंप्लीट फेल्योर है, किसान तो पोर्टल सिस्टम से परेशान है। अब मैं ही ले लो, मैं भी किसान हूँ, मैं आज तक अपनी ज़मीन पोर्टल पे नहीं चढ़वा सका, कहते ये तो यमुना की नदी की ज़मीन है, जबकि SDM और ADC महोदय खुद जाके विजिट कराए, वो कह रहे हैं कि यहाँ फसलें खड़ी हैं बहुत बढ़िया खड़ी हैं, पटवारी ने गर्दौरी भी कर दी फिर भी पोर्टल पे चढ़ाने के लिए सरकार तैयारी नहीं है, कहते ये तो यमुना का एरिया है, ये तो यमुना, जब फसल खड़ी है, प्लांटेशन खड़ी है उसके अंदर, फिर सबसे बड़ी परेशानी किसान को ये कि पोर्टल सिस्टम जब से लागू हुआ तब से किसान परेशान है, फसल बीमा स्कीम लागू करी उससे परेशान है, ये कहते हैं सारा गाँव की जड़े तब जाके क्लेम देंगे आपको, यानी अगर किसी मेरे खेत में आग लग गई उसको क्लेम नहीं देंगे, ये कहते हैं सारे गाँव की फसल नष्ट होनी चाहिए, ये कौन सा स्कूल है? आपने जिम्मेदारों से 800-800 करोड़ रुपये कमा लिए कंपनियों ने और पैसे नहीं दिए उनको 5 करोड़ भी, तो ये कितना बड़ा इंसाफ है किसानों के साथ? तो लूट है, ये तो सीधी लूट है। तो एक तो किसान परेशान, दुकानदार इसलिए परेशान, वो कहते हैं GST ना मार लिए कहीं, बैठने की फार्म भरे कहीं, GST को काबू करें, यानी अगर आज इन जनरल बात करें तो समाज का हर वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटा व्यापारी भी परेशान है, हम कारखानेदार से बात करते हैं वो भी ज़्यादा परेशान है, तो मुझे तो यही नहीं पता इनके साथ कौन है। कांग्रेस आएगी तो उनकी परेशानी दूर की जाएगी ऐसा जी? अब ये नगर पालिकाओं के लोगों ने चक्कर लगा रहे रात दिन, वो सिस्टम ही ऐसा बना दिया, किसी की ID खराब कर दी, किसी के घर का हाउस टैक्स का चक्कर पड़ रहा है, यानी हर आदमी परेशान है इनसे। तो हमारा तो हुड्डा साहब ने तो कहा है अभी मेरी सरकार बनेगी और बनेगी भी हुड्डा जी की सरकार, आने वाली सरकार, मैं बता दूँ आपको, पोर्टल सिस्टम ख़त्म किया उन्होंने, करेंगे 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, गरीबों के लिए वही 100-100 गज के प्लाट भी देंगे, पेंशन 6,000 रुपये देंगे, हमारा तो सेट एजेंडा है, पार्टी ने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, हम वो हर वो काम करेंगे जिससे लोग इन्होंने तंग की हुआ है बीजेपी पार्टी। कंवरपाल गुर्जर जो कैबिनेट मंत्री हैं और जगाधरी हलके से विधायक भी हैं, क्या लगता है कितना सुधार हुआ है मंत्री के यहाँ बनने से और लगता है कि और होना चाहिए था, कैसा लगता है आपको यहाँ का विकास जगाधरी हलके का? सुधार तो जरूर हुआ है पर वो मंत्री जी का हुआ है, हल्के का नहीं हुआ है, हल्के का कोई सुधार नहीं, मंत्री जी का सुधार है। ये पूरे प्रदेश के अंदर बता दो, हुड्डा जी ने 4 थर्मल प्लांट लगाए, ये एक मिसाल दे दो इन्होंने कोई थर्मल प्लांट लगाया हुआ आज तक, और कोई मोटर डेवलपमेंट का काम बता दो इन्होंने करो, हमने 12 यूनिवर्सिटियाँ बना दी, 6 मेडिकल कॉलेज बना दी, ये नाम तो लो, ये पत्थर तो हर जगह रख रहे हैं, बताओ कौन सा मेडिकल पूरा हुआ, कॉलेज आज तक पूरा हुआ?
हमने एम्स बना दिए या जनमे बना दिए, मैं 12 यूनिवर्सिटियाँ बन गया। एक ये यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, कोई नहीं बनाई उन्होंने। इनका सिर्फ एजेंडा ही दूसरा है, लोगों को बहकाओ और बहलाओ और अपना राज करो। इनकी सीधी थ्योरी है, कोई डेवलपमेंट का लेना देना नहीं है। अभी ये जो पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, मंदिर का इशू कर दिया, भगवान राम को भी इसमें ले लिया। अरे आप डेवलपमेंट की बात तो बता दो, आपने क्या की सारी देश, मोदी ने सारी देश की संपत्तियाँ या तो बेच दी या ठेके पर दे दी, हमें ये तो बता दो करा क्या देश के लिए। आम आदमी को क्या क्या मतलब फ़ायदा हुआ आम आदमी का? कहाँ है डीजल, कहाँ है पेट्रोल, जबकि वर्ल्ड मार्केट से तो आप सस्ता ला रहे हो और बेच रहे हो यहाँ इतने भारी रेटों के ऊपर। आप दूसरे मुल्कों को भी बेचते हो, नेपाल को देते हो, बांग्लादेश को देते हो, उनको सस्ता देते हो, अपने देश वालों को महंगा देते हो। तो ये इनके इनका राज तो लोगों को बहकाने का तरीका है, और बहकाने हैं और राज कर ले। और अब इनका समय आ गया, आ बीजेपी जाएगी पार्लियामेंट के चुनाव में, मेयर असेंबली के चुनाव में, दोनों में जाएगी। एक अंतिम सवाल, इस बार जो है टिकट की दावेदारी अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? टिकट मांगना सबका है, जो पार्टी जिसको ठीक समझेगी उसको देगी और उसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो ये थे पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, इनका कहना, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि अयोध्या में जो श्री राम लला की जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वह सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, वह विकास की बात नहीं करते बीजेपी, बल्कि लोगों को बांटने का काम करते। इसके अलावा उन्होंने जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसको लेकर भी कई तरह की जो है सवालों के जवाब दिए हैं, और उन्होंने यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के विकास को लेकर भी बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।